बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ अपने धनुर्गो धाम में ही आ रहे हैं और तीन दिन यहाँ दरबार भी लगाएंगे और हनुमान जी के ऊपर हमारे गुरु महाराज के प्रवचन भी करेंगे। खेमरिया हमारे हमारे राघविंद खेमरिया यूट्यूब के माध्यम से सबको दर्शन करा रहे हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, पूरे हमारे पूरे भारतवर्ष में विश्व में दर्शन हो रहे हैं। अभी संस्कार चैनल लगने वाला है यहाँ, जो हमारे राम गए थे कल रात में 12 बजे नारियल दिया है। आप सभी लोगों की इच्छा थी, सभी हमारे क्षेत्र की इच्छा थी, कई टेलीफोन हमारा दर्शन कराओ और बाकी सुविधाओं को बिलवाओ, लेकिन यही हनुमान जी ने प्रेरणा दी, कृपा की, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ अपने धनुर्गो धाम में ही आ रहे हैं। हाँ, जय हो, वो धनुर्गो धाम की जय हो। और तीन दिन यहाँ दरबार भी लगाएंगे और हनुमान जी के ऊपर हमारे गुरु महाराज के प्रवचन भी करेंगे। जय हो। तीन दिन बराबर 15 नवंबर को यहाँ आ जाएंगे और 16, 17, 18 ये तीन दिन बराबर संस्कार चैनल पर सीधा प्रसारण इसका होगा, संस्कार चैनल प्रसारण भी सीधा होगा। तो हमारी क्षेत्र की जनता की बहुत इच्छा थी कि हमें दर्शन कराए, कई फोन आते थे, लेकिन हनुमान जी ने प्रेरणा दी सभी को दर्शन कराना है। तो बहुत बड़ा पंडाल लगा रहे हैं, उसमें कम 200 बाई 500 का बहुत बड़ा पंडाल लगाएंगे, बहुत बड़ी बहुत जनता का आह्वान करेंगे। और साथ साथ में हमारे जो संत हैं, अंतर्राष्ट्रीय संत हमारे राजेंद्र दास जी हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, शाम पारासर है, ये अंतर्राष्ट्रीय है, हमारे शंकराचार्य जगत गुरु हैं, राम मद्राचार्य जी महाराज की कथा भी करा रहे हैं 28 नवंबर से। राम मद्राचार्य जी महाराज की कथा 28 नवंबर से करा रहे हैं, निवास करेंगे वो, लेकिन 2 किलोमीटर दूर पर उनकी कथा होगी, तो वो भी सुनवाएंगे आप लोगों के लिए। तो गुरु की कृपा सुभीड़ लाखों में पाई, चलो धनुर्गो भाई, गुरु की कृपा सुभीड़ लाखों में पाई, चलो धनुर्गो भाई। हमारे गुरु महाराज 8-8 घंटे भजन करते थे, तपस्या करते थे, यहाँ ये तपस्या का प्रकाश दिखाई दे रहा है। स्थाने प्रधाने नबल प्रधानम, हनुमान जी कृपा तो है ही, गुरु में तपस्या का फल है। 8-8 घंटे बैठते थे एक आसन से, बीचू चढ़ जाते थे पैर पे, सर्प भी आसपास आ जाते थे लेकिन पैर नहीं हटाते थे, महाराज जी हमारे पैर नहीं हटाते थे, ऐसे महाराज जी की तपस्या का प्रकाश दिखाई दे रहा है। आप हम तो निमित्त है, लेकिन गुरु महाराज कृपा, हनुमान जी कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना और सभी संतों का, सभी महापुरुषों का। हमारे गुरु जी हमारे इनको राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त है वो यही है, उनकी बहुत कृपा है दास के ऊपर हो, इस क्षेत्र के ऊपर। उनने संस्कृत विद्यालय उन्हें खुलवाया था 1985 में, उनकी प्रेरणा से ही खुला था संस्कृत विद्यालय यहाँ धनुर्गो धाम में। तो हमारे गुरु जी जो पार्षद वाले गुरु जी हमारे यहीं निवास कर रहे हैं, यही उनकी कथा हो रही है, तो गुरु कृपा है। और ये कहा जाता है गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु मेहरबान भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बब एक। हम विशेष रूप से बालक दास बाबा को बार बार बुला रहे हैं, जल्दी से हमारे पास आ जाए, हमारे जो टीन में मुख्य दरवाजे से जो भक्त आ रहे हैं उन पे न तो पंखा चल रहा है न उजेला है उनके ऊपर, इनको पूछते रहें व्यवस्थापक कि कोई इनको पानी की जरूरत हो या कोई परेशानियां हो पूछते रहो। ये वास्तव में हनुमान भगवान ने स्वयं कहा है, अहम भक्त पराधीन हो हई स्वतंत्र इव ध्वज, भगवान ने स्वयं कहा है हम भक्तों के अधीन हैं, भक्त हमारे हृदय हैं। तो भक्त वास्तव यो अपराध, भाई रामचरितमानस में कहा है, यो अपराध भक्त कर कर ही राम रोष पावक सो जरही। हम अपना अपराध सहन कर लेंगे तो भक्तों का नहीं सहन कर सकते, इसलिए भक्तों की वास्तव में विशेष रूप देखभाल जरूर करें। हमारे हनुमान भक्त हैं, सब हनुमान भक्त हैं, दौड़ पड़ते हैं।
छोटे छोटे बच्चे रोते रह जाते हैं, बड़े वृद्ध के हमको भी ले जा रहे, अरे तुम नहीं जा सकते भीड़ है, ऐसे जो है बहाना करके, नहीं भीड़ है तुम नहीं जा सकते हो। तो वास्तव में ही जो जैसे ही तैसे ही उठे धावे बाल वृद्ध संगन लावे।